हेलो गाइस, वेलकम अगेन MTW माय टीचर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर इमरान। दोस्तों सबसे पहले आज मैं आपके अपने ब्राउजर में लेकर के आ जाता हूं। यहां पर मैंने ऑलरेडी एक ये चीज खोली है, मैंने एक वीडियो अपलोड की है और इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी चीजें जो नए यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा करते हैं और गलती खा जाते हैं, और जब मोनेटाइजेशन के लिए उनका चैनल जाता है तो मोनेटाइज नहीं होता। तो वो गलतियां क्या है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है आप कुछ चीजें इसमें से पहले से जानते हो, लेकिन इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो चुकी है। चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपको वीडियो अपलोड करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आता है। देन आपको सबसे पहले यहां पर दिखाई देता है दोस्तों टाइटल। टाइटल की अगर बात करें फ्रेंड्स, टाइटल होता क्या है? टाइटल यानी कि किसी चीज का नाम। जैसे कि अगर आप इसके अंदर भी पढ़े तो यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है एड ए टाइटल दैट डिस्क्राइब योर वीडियो। सपोज कीजिए आप किसी शॉप पर जाते हैं और आप उससे मैगी मांगते हैं और आपको वो राइस दे दे, चावल आपको थमा दे, तो आप क्या लेकर के आएंगे? बिल्कुल नहीं। तो सेम एज दोस्तों, अगर यहाँ पर बात की जाए टाइटल की, अगर आपने यहाँ पर टाइटल डाला हुआ है कि भैया मैं इस वीडियो के अंदर इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, अगर आपने इस वीडियो के अंदर पढ़ाया हुआ मैथ है, मैं एक एजुकेशनल वीडियो का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने मैथ पढ़ाया हुआ है, तो दोस्तों जो वीडियो खोलेगा वो किस लिए आया? इंग्लिश के लिए। उसने आपका टाइटल देखा, ठीक है, और आपने डाला हुआ उसमें इंग्लिश है अंदर पढ़ा रहे हैं आप मैथ है, तो वो क्यों देखेगा भैया? वो आएगा, अपनी वीडियो बंद करेगा और चला जाएगा। साथ ही साथ दूसरा नुकसान आपको होना है यहाँ पर ये है कि जैसे आपका चैनल रिव्यू में जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए, तो सबसे पहले आजकल होता क्या है दोस्तों, मैनुअल रिव्यू होता है। जैसे मैनुअल रिव्यू होगा तो उसमें आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, मैनुअल रिव्यू में वो रिव्यूअर देखेगा कि आपने टाइटल कुछ और डाला है वीडियो के अंदर कुछ है, आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, आपकी जो है एक्सेप्ट नहीं होगी, वहां पर जो रिक्वेस्ट गई हुई होगी वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो टाइटल वही डालें जो आपने वीडियो के अंदर पढ़ाया हुआ है। इसकी बात करें तो अगली चीज दोस्तों होती क्या है यहाँ पर, अगली चीज होती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों, टाइटल से आपका नाम का तो पता लग गया कि आपने टाइटल भैया इस नाम से, लेकिन वीडियो के अंदर आपने क्या क्या चीजें पढ़ाई हुई है, यहाँ पर एक अगर आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दे तो वो इम्पैक्ट करता है आपके विजिटर्स को, जो आपके यूट्यूब पर पहली बार विजिटर आते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में अच्छे से कुछ लिखते हैं, इस वीडियो को डिस्क्राइब करते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं आप उसके अंदर के दोस्तों, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो गाइज इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इस एक नए यूट्यूबर को वीडियो अपलोड करते हैं क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, उसमें आपको टैग्स, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक छोटा सा पैराग्राफ बना के इसके अंदर मैं लिख दूँ अच्छे से, तो आप जाएंगे वीडियो में देखेंगे। अगर आप वीडियो भी नहीं खोलते पैराग्राफ पढ़ के देखेंगे, हाँ भैया ठीक है ये चीजें मुझे सीखनी है देखनी है, तो मैं सीधा सा आप करेंगे कि आप मेरी वीडियो पर क्लिक करेंगे अंदर चले जाएंगे। बहुत लोग होते हैं जो पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो आपको उससे वॉच टाइम भी मिल जाएगा। अगर आपकी वीडियो अच्छे से बनी हुई है तो होगा कि आपको एक नया सब्सक्राइबर भी मिल सकता है, तो डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख के साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर आप करें क्या, अपने कुछ सोशल लिंक्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और जी इंस्टाग्राम, कुछ भी जो आप जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उन सबके यहाँ पर लिंक्स भी डालें और अपने चैनल से रिलेटेड वो सब उन सभी सोशल साइट्स पर अपने अकाउंट भी बना लें, सेम नाम से बना लेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पर तीसरी चीज आती है गाइस, थंबनेल। थंबनेल की अगर बात करें, एक थंबनेल एक पिक्चर होती है, इसके अंदर दो तरह के थंबनेल होते हैं, कस्टम थंबनेल और एक जनरेटेड थंबनेल। अगर बात करें कस्टम थंबनेल की, तो यहाँ पर ये जो अपलोड थंबनेल का जो ऑप्शन आ रहा है, ये कस्टम थंबनेल आप अपने कंप्यूटर के अंदर डिजाइन करके बना सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, बहुत लोग करते क्या है, किसी अच्छे बड़े यूट्यूबर की कोई टेक चैनल अगर बना रहा है, किसी अच्छे बड़े यूट्यूबर की उस पर इमेज लगा देगा और बना देगा, भैया ठीक है लोग देखेंगे, हाँ भाई बड़ा यूट्यूबर है, उसको तुरंत से खोलेंगे वीडियो को, लेकिन जैसे ही वो वीडियो खोलेगा राइट, वीडियो खोलने के बाद प्रॉब्लम क्या होगी आपके साथ कि आपको वो वीडियो देखेगा भैया वीडियो तो ये गलत है, उस आदमी की नहीं है जो समझकर आपकी वीडियो खोली थी, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, वो खोलेगा और तुरंत बंद करके चला जाएगा। इससे आपका अगर आपने अच्छा कंटेंट भी बनाया हुआ है, अच्छी डिस्क्रिप्शन टाइटल भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वीडियो का थंबनेल देख करके किसी और का फेस देख करके आया था और वो वहां से चला जाएगा। तो आप करें क्या, अपना ओरिजिनल खुद का कंटेंट अगर आप बना रहे तो खुद का थंबनेल भी बनाइए। अगर आप खुद का थंबनेल बनाते हैं तो उससे होगा क्या, कोई भी विजिटर अगर 100 विजिटर नहीं आते हो, एक भी आता है और एक विजिटर आया और आपकी वीडियो देखी, उसको लगा कि हाँ बंदे ने जेन्युइन कंटेंट बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा उसको लगा, हो सकता है आपको वॉच टाइम तो आपको मिल ही जाएगा, साथ ही साथ हो सकता है वो आपकी भी आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, आप सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं सिर्फ ओरिजिनल थंबनेल से।
किसी की कॉपी ना करें, अपना जेन्युइन और ओरिजिनल थंबनेल बनाएं, ठीक है। ये इफेक्ट करता है आपके, अगर आपने उसकी कॉपी की हुई थी वो आएगा देखेगा चला जाएगा, आपका कंटेंट जितनी भी आपने मेहनत की थी वो सब ख़राब हो जाएगी। तो थंबनेल अपना बनाएं, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त नया यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं, जो पुराने भी हैं, जिन जो लोग ये काम कर रहे हैं वो इसको प्लीज़ बंद कर दें। देन उसके बाद अभी दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता दूँ, इसके बाद जो हमें करना होता है, एक बहुत ही बड़ी गलती मेरे काफ़ी दोस्त आजकल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर करते क्या है, ये मेड फॉर किड्स, यस इट्स मेड फॉर किड्स। देखिए ये वीडियो में मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ, ये बच्चों के लिए नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर नो पर टिक मार्क किया हुआ है ये ब्लैक रेशो में। लेकिन बहुत दोस्त क्या करते हैं, येस और नो में कंफ्यूज भी रहते हैं, उनको कुछ को तो पता ही नहीं होता भैया करना क्या है, कुछ इस पर क्लिक ही नहीं करते। देखिए मैं आपको समझा दूँ, यूट्यूब ने अपने नॉर्मल यूट्यूब के साथ साथ यूट्यूब किट भी स्टार्ट कर दिया है। यूट्यूब किट पर अगर आप यहाँ पर येस पर क्लिक कर देते हैं, येस इट्स मेड फॉर किड्स, तो YouTube किट पर भी ये YouTube किट पर ये शो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसमें कोई भी बच्चों से रिलेटेड या जो बच्चों के काम आने वाली चीज़ें वो आप इसमें नहीं करते हैं, वो इसके अंदर नहीं है, तो जब आपका रिव्यू में चैनल जाएगा ये चीज़ें तब प्रॉब्लम करने वाली है, अभी आपको पता नहीं लगेगा। तो ये प्रॉब्लम होगी कि आप वो देखेगा यूट्यूबर जो रिव्यूअर होगा कि भैया देखिए इसके अंदर तो कोई भी चीज़ बच्चों से रिलेटेड नहीं है, बच्चों की एजुकेशन के लिए नहीं है, या बच्चों के जो कार्टून्स होते हैं वो इसके अंदर नहीं है जो बच्चों के लिए होनी चाहिए, ठीक है। कुछ यूट्यूब के अपने रूल रेगुलेशंस भी हैं, वो आप अच्छे से पढ़ लें कौन सी बच्चों के लिए होती है कौन सी नहीं। ये ऊपर देखिए लर्न मोर का जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन मोस्टली वीडियो अगर आप कंटेंट बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप नो कर दिए सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यूट्यूब किट में जाएगा नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो मोस्टली आपको नो पर ही क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, और अगर कोई वीडियो में आप बाय डिफ़ॉल्ट भी इसको सेट करते हैं सेटिंग में जा करके, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होने के बाद आपको करना क्या होता है दोस्तों, फाइनल स्टेप में आपको जाना होता है, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये होते हैं ऐड टैग्स। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स की अगर बात करें दोस्तों, टैग होते हैं हमारे सर्चिंग कीवर्ड। कभी भी आप YouTube पर जाएं, Google पर जाएं, जहां भी आप कुछ सर्च करते हैं, तो आप करते क्या, YouTube पर अगर आप जाएं आप देखेंगे हाउ टू अपलोड ए वीडियो, आप इतना लिख के हाउ टू अपलोड ए वीडियो ऑन YouTube, ऑन Facebook, बहुत सारे यहाँ पर नीचे खुल करके आप आ जाते हैं, ऑन YouTube, ऑन Facebook, ऑन Instagram, या वो किसी भी तरह से बहुत सारे वहाँ पर ऑप्शन खुल करके आ जाते हैं। वो होते क्या है, वो दोस्तों टैग्स होते हैं, वो टैग्स सर्चिंग कीवर्ड होते हैं। यानी कि अगर आपने इसके अंदर टैग लिखा हाउ टू अपलोड ए वीडियो ऑन यूट्यूब, अगर आपका टैग मैच कर जाता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो खुलती हैं। अगर आपकी वीडियो टॉप पर वहां पर आती है, सबसे पहले टॉप पर क्लिक करता है, तो वायरल होने के चांसेस होते हैं। तो टैग कभी भी कॉपी पेस्ट ना करें। जब आप YouTube का एल्गोरिदम जो है आपके कॉपी पेस्ट को अलग रीड करता है और आपकी टाइपिंग को अलग रीड करता है, अगर आपने कहीं से कॉपी भी करने हैं टैग तो आप एक बुक पे नोट कर लें उसे और फिर आसानी से टाइप करके उसके अंदर लिखें, टैग जो ऐड करें टाइप करके ऐड करें। उससे होगा क्या, यूट्यूब एल्गोरिदम को पता लगेगा कि भैया बंदा टैग टाइप कर रहा है, यानी कि अपना ओरिजिनल और ऑथेंटिक और जेन्युइन टैग यहाँ पर डाल रहा है। तो उससे आपको ये बेनिफिट्स होंगे कि आपका हो सकता है कोई टैग आप किसी ने पहले भी यूज़ किया हुआ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है आपका टैग वायरल हो जाए और आपकी वीडियो वायरल हो जाए। तो कीवर्ड्स भी वीडियो से रिलेटेड ही डालें, ऐसा ना करें कि वीडियो मेरी यहाँ पर टैग कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और उस पर लिख दूँ मैं फ़नी वायरल या फिर कॉमेडी वीडियोज़ या फिर कुछ भी मैं लिख दूँ, नहीं। अगर आप टैग वीडियो बना रहे हैं, टेक्निकल वीडियो बना रहे हैं, तो उस पर टेक्निकल ही टैग डालें। अगर आप उसमें कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं तो कॉमेडी डालें, एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं तो एजुकेशनल टैग डालें, और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड टैग डालें, ठीक है, जिसके लिए आप वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो आपको वीडियो को वायरल करने में आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आप इसमें कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो हो सकता है कि आपकी वीडियो वायरल ना हो, राइट। आपकी वीडियो हो सकता है आपका चैनल आपका टाइम पूरा हो जाए और आप रिव्यू के लिए डालें कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आप वो काम गलत कर दें और आपका चैनल मोनेटाइज ना हो। क्यों ना हो, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें गलत की हुई थी, वो आपने सीखी नहीं थी, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को बहुत सारी चीज़ें गलत की हुई थी, आप उसको सही नहीं की थी, तो आपका चैनल वो वहाँ पर कैंसिल कर देंगे, मोनेटाइज नहीं कर देंगे, आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर देंगे, मोनेटाइज नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को फॉलो करें और इसी तरह से अपनी वीडियो को अपलोड करें। गाइज अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारा सा।
लाल रंग का सब्सक्रिप्शन बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पर सेट कर दीजिए, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके गाइज, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।